असल तहमीना अख्तर इंतहाई खूबसूरत और हसास वाक़ बयान करती हैं मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार से हुई थी जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ मेरा नाम शहजादी है सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान और अच्छे अच्छा कमाने वाला लड़का लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से मेरी शादी उम्र से कर दी गई मुझे उम्र अच्छा नहीं लगता था उसका काम भी इतना अच्छा नहीं था खैर मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएँ मांगती थी या अल्लाह या तो उम्र को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दे मैं वो लड़की हूँ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन उम्र को मारने या इससे जान छुड़वाने के लिए मैं किताबों से वजीफे ढूँढ ढूँढ कर पढ़ती कि ये किसी हादसे में इंतकाल कर जाए क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे अपने हाथों से मार सकूं। एक तो मैं इससे कमज़ोर थी और दूसरा मेरा दिल इतना बड़ा नहीं था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चींटी को नहीं मारा था लेकिन ये भी सच है कि मैं इसके साथ एक पल भी गुजारा नहीं चाहती थी कुरान पाक पढ़ते वक़्त हती कि मैं तो खाना कबा रोज़ा रसूल के सामने भी यही दुआ करती कि अल्लाह इसको मार दे या किसी भी तरह से मेरी इसे जान छूट जाए मैं तो और कुछ नहीं मांगती इस जाहिल को तो बोलने का भी पता नहीं था मैं हर बात पे उमर को बदनाम कर, दे, कर देती तनकीद कर दी उमर पे गुस्सा करती उमर मुझे प्यार से समझाता कभी चुप हो जाता कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि इसमें हकीकी और इंतहाई मुफीद वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और इससे मुस्तफ हो सकें एक बार मेरा इससे झगड़ा हो गया और मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि बस मुझे उम्र से तलाक लेनी है अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है ना करो ऐसा बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है बाकी क्या कभी उसने तुम पर हाथ उठाया या गाली दी है लेकिन बस मैं तलाक लेना चाहती थी मैंने झूठ बोला कि वो ख़र्चा नहीं देता मुझे अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया वो मेरे सामने बैठा था अम्मी अब्बू कहने लगे उमर क्यों भाई तुम शहजादी को ख़र्चा क्यों नहीं देते उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला अंकल जी जो कमा कर लाता हूँ सब अखराज निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पे रख देता हूँ मेरे चचा ताया सब मौजूद थे वहाँ मैंने कहा मुझे तीस हज़ार रुपये हर महीने चाहिए चाहे जहाँ से भी ले आओ मेरी तरफ से डाका मारो चोरी करो बस मैं इसी शर्त पर ही वापस जाऊँगी मैं जानती थी कि वो इतने पैसे मुझे कभी नहीं दे सकता लिहाजा वो मुझे तलाक देगा उमर खामोश हो गया सर झुकाए बैठा था चाचू बोले हाँ भाई उमर तीस हज़ार रुपये दे सकते हो वो भी घर के अखराज के अलावा ये भी याद रखो कि ये नहीं कि सिर्फ दो चार माह ती, तीस तीस हज़ार देकर तुम फारिक हो जाओ हर महीने तुम्हें तीस हज़ार रुपये देने होंगे उमर फिर मेरी तरफ़ देखने लगा लंबी सांस लेकर बोला तीस हज़ार रुपये दे दूँगा अलग से मैं शहज़ादी को हर महीने तीस हज़ार रुपये देता रहूँगा मैंने दिल से उमर को बदवा दी और गाले दी कमीने देखना तेरा जीना हराम कर दूँगी उमर को गालियाँ देते मायूस होकर दोबारा फिर से मैं उमर के साथ वापस चली गई मैंने घर वापस जाकर बिजली पानी गैस का बिल राशन खाना सब अखराजात बहुत ज़्यादा हद हाँ तक बढ़ा दिए थे मैं गैस को फजूल चलने देती बिलाव पंखों को चलने दिया करती हती कि हर चीज़ का ज़ाया करने लगी मेरा बस नहीं चलता था कि एक महीने का बिजली गैस और पानी का बिल लाख लाख रुपए आए और मैं उठते बैठते हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती कि किसी भी तरह से यह अल्लाह मेरी उम्र से जान छुड़वा दे क्योंकि ये कम वक्त ऐसा मेरे साथ चिपका था कि मेरे लाख बार सख्तियाँ गालियाँ गुस्सा करने के बावजूद भी ये मुझे तलाक नहीं दे रहा था लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला था कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती थी मुझे एक पढ़ा लिखा खूबसूरत और अच्छा कमाने वाला नौजवान लड़का चाहिए इसकी तरह जाहिल और बेसुरी शक्ल वाला लड़का हरगिज नहीं चाहिए लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी अगर मैं यहाँ से भाग जाती तो मैं जाती कहाँ पर इसीलिए मुझे अपने माँ बाप को भी राजी रखना था क्योंकि अगर यहाँ से तलाक होती तो मैंने वापस इन्हीं के घर जाना था और फिर दोबारा मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी थी एक दिन मैंने ऐसे ही उम्र से जब पूछा कि क्या काम करते हो तो कहता है गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करता हूँ इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने बताया खैर उमर ने मुझे हर महीने तीस हज़ार रुपये देना शुरू कर दिए मैं फिर परेशान हो गई कि ये कम वक्त तो मुझे तीस हज़ार रुपया भी दे रहा है घर के अखराजात भी पूरे कर रहा है अब ऐसा क्या करूं कि ये मुझसे तंग आकर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आए और मुझे तलाक दे दे चूँकि हम एक कच्चे मकान में रहते थे जिसमें कमरे तो पक्के थे लेकिन सहन और दीवारें वगैरह कच्ची थीं मैंने उम्र से मुतालबा करना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ पर ये सारा घर गिरा कर नया घर बनवा कर दो मैं इस गारे और मट्टी में नहीं रह सकती मुझे पक्के फर्श लगवा दो अगर तुमने एक हफ़्ते में ये घर गिराया ना तो मैं वापस हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी मैंने इस कदर गुस्से और तलख लहजे से कहा तो उमर ने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूं पहले तो उमर सुबह काम पर जाता और सुबह को घर आ जाता था लेकिन अब अक्सर सुबह काम पर जाता और शाम को घर आता और खाना खाकर दोबारा फिर से काम पर चला जाता और रात के एक बजे दो बजे तक वापस आता एक दिन मैंने इसे पूछा तो कहने लगा कि डबल शिफ्ट पर काम कर रहा हूं. तुमने जो कहा है इसलिए मैं एक हफ़्ते के अंदर ही ये मकान गिरा दूँगा मैंने अपने एक जाने वाले से कुछ पैसे उधार मांगे हैं इसने मुझे दो दिन का वादा किया है ये सुनते ही मैंने उमर से कह दिया कि मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है जो तुम मुझे तीस हज़ार देते हो मैं उसकी शॉपिंग कर चुकी हूँ उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे एक रुपया भी नहीं मांग रहा बस तुम खुश रहा करो किस्सा मुख्तसर ये कि एक हफ़्ते के बाद उसने अपने उस जानने वाले से कुछ पैसे उधार लिए और अपनी मोटरसाइकिल भी बेच दी फिर उसने मिस्त्री मजदूर लगवा कर साथ में खुद भी लगकर सारा मकान गिरा दिया और दोबारा मकान की तामीर शुरू हो गई एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मिस्त्री और मज़दूरों के लिए चाय बना कर दूँ मैंने तो ग़ुस्से से कहा कि मुझसे तो कुछ नहीं होता फिर उमर ख़ामोश होकर होटल पर गया और वहाँ से मिस्त्री मज़दूरों के लिए सुबह के वक़्त चाय लेकर आया और दोपहर के वक़्त वहीं से उनके लिए खाना बनवा कर लाया हती के बीस दिनों के बाद वो सारा घर जो पहले कच्चा था वो सारा गिराकर बहुत ही अच्छी शक्ल के मुताबिक जैसा मैं चाहती थी वैसा तैयार हो गया उमर मुझसे कहने लगा कि शहजादी अब तुम खुश हो ना जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा सारा घर बनवा दिया है मैंने कहा कि बस ठीक है गुज़ारा हो जाएगा मैंने कौन सा अकेले रहना है तुमने भी तो साथ रहना है मकान बन जाने के बाद में फिर से सोचने लगी कि अब ऐसा क्या करूं कि ये मुझसे तंग आ जाए और इसे समझ आ जाए कि मैं इसके साथ किसी भी तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती चाहे वो मुझे सोने के निवाले ही क्यों ना खिलाए मैं बस इसे तंग करना चाहती थी एक दिन मैंने इससे कहा कि तुमने बाइक तो बेच दी है तो आगे से फ़ौरन बोला मैं अनकरीब एक नई बाइक किस्तों पर लेने लगा हूँ मैंने फौरन झड़क कर कहा कि मुझे गाड़ी लेकर दो मैं बाइक पर नहीं बैठना चाहती मैं जब भी अपने माँ बाप के घर जाऊंगी तो गाड़ी में ही जाऊंगी। उसने मेरे ये अल्फाज सुने तो अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रख कर झुक गया क्योंकि ये जानता था कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ जिस चीज़ की मैंने एक दफ़ा मांग कर ली जब तक वो पूरी नहीं होती मैं इसे सुकून का सांस नहीं लेने देती थी ये देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई कि लगता है कि उमर अब मुझे गाड़ी तो लेकर नहीं दे सकता इसीलिए वो वह मुझे तलाक दे देगा मैं बहुत खुश थी अचानक से उमर मुस्कुराने लगा मेरे पाँव पकड़े और बोला शहजादी गाड़ी भी लेकर दूंगा परेशान ना हो मुझे थोड़ा सा वक़्त दो तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो जो कहोगी करूंगा मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का भी इंतज़ाम कर दूंगा मैं गुस्से से बोली कि एक माह के अंदर अंदर जहाँ से मर्जी लेकर आओ मुझे गाड़ी चाहिए अगर एक महीने के अंदर अंदर तुम गाड़ी ना लाए तो तुम जो मर्जी कर लो मैं तुम्हारे साथ एक पल भी ना रह सकूंगी बस ये मेरी आखिरी शर्त है उम्र खामोश होकर घर से निकल गया अब मैंने सोचा कि खाने पीने के लिहाज से भी अब इसे मैं तंग करूंगी मैं कभी खाने पर मर्च ज़्यादा डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक वो थका हरा काम से आता खाना खाता और मुझे कोई बात ना करता मैं बड़ी हैरान होती कि ये किस तरह का जाहिल और पागल इंसान है जिसे खाने के टेस्ट का भी नहीं पता कि मर्च ज़्यादा है नमक ज़्यादा है हांडी जली हुई है ये तो बिल्कुल अंधा हो चुका है बस खाना खाया और पागलों की तरह बेहोश होकर सो जाता है मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर इसको मैं मिट्टी के गारे की रोटियां बना कर दूँ तो ये चुप करके वो भी खा लेगा पता नहीं ये किस मट्टी का अजीब सा इंसान था जाहिल तो था ही लेकिन मुझे लगा कि ये अंधा भी है ना इसमें अक़ल है और ना ही शक्ल है ना जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता मैं जितनी नफ़रत करती इस जाहिल से वो उतनी मोहब्बत करता था एक दिन जब उमर काम पर जा रहा था तो मैंने इसे कहा कि आज मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ मेरे पास पहले जितने पैसे थे वो मैं खर्च कर चुकी हूँ मुझे दस हज़ार रुपये दो मुझसे कहने लगा कि तुम कल शॉपिंग कर लेना लेकिन मैंने जिद की कि नहीं मेरी दोस्त और मैंने आज ही जाना है मुझे दस हज़ार रुपये हर हाल में चाहिए ये कमरे में गया और संदूक में से अपनी शादी की घड़ी जो कि मेरे माँ बाप ने दी थी वो लेकर बाज़ार चला गया पहले तो मुझे समझ ना आई कि इसने घड़ी क्यों निकाली है मैंने सोचा कि शायद ऑफिस में काम करते वक्त टाइम देखने के लिए ये घड़ी साथ ले जा रहा है लेकिन एक घंटे बाद जब वापस आया तो उसने मुझे बारह हज़ार रुपये दिए तो मैंने इसे गुस्से होकर कहा कि तुम तो मुझे सुबह सुबह झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं ये पैसे कहाँ से आए हैं जब मैंने घड़ी का पूछा तो कहने लगा कि वही बेच कर तो तुम्हारे लिए ये पैसे लेकर आए हूं। खैर मुझे क्या था पैसे मुझे मिल चुके थे और ये बहाना भी मुझे मिल चुका था कि जब अपने माँ बाप के घर जाऊँगी तो कहूँगी कि इसने आपकी दी हुई कीमती घड़ी बेच दी है ये मेरा ख़र्चा पूरा नहीं करता और घर का सामान बेचे जा रहा है फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश होते हुए अपनी दोस्त के साथ कार में बैठी शॉपिंग करने जा रही थी मेरे पास कुछ पैसे पहले भी थे शहर के सबसे महंगे और बड़े माल में हमने शॉपिंग की एक बड़े रेस्टोरेंट पर खाना खाया सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी थी हमने इन्जॉय भी खूब किया वापसी पर जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा मैं बेजान हो गई और मेरा दिल चाहा कि काश इससे पहले मैं मर चुकी होती वो मर जिससे मैं बहुत नफरत करती थी जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था जिसका कभी हाल ना पूछा था जिसे मैं सिर्फ़ एक मशीन समझती थी जिसके एहसास जिसकी इज्ज़त करना मैंने कभी गवारा नहीं समझा था जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी जिसके लिए मैं खाना काबा रोज़ा रसूल हती के कुरान पाक पढ़ते वक्त भी बदवाएँ और तलाक़ लेने का मुतालबा करती थी जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी जिसे मैं दुनिया का घटिया तरीन मर्द समझती थी जिसे मैं शोहर समझना तो दरकिनार एक मुलाजिम की हैसियत भी नहीं देती थी वो उम्र सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था टांगे कांप रही थी पुराने से कपड़े पहने पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी सर पर एक बड़ी सी चादर ओढ़े हुए था कंधों से कमीज़ फटी हुई थी ये सब देखते ही मेरी ज़ुबान से बेसख्त निकल गया कि वो खुदाया मैं मर क्यों नहीं गई वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था मेरी आंखें ऐसी थी कि ना जाने कितनी सदियों से भरा और बंद हुआ चश्मा फूट चुका हो ओहो मैं कितना बड़ा गुनाह कर चुकी थी मैं अपनी सारी शॉपिंग और सफ़र से बेखबर हो चुकी थी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो और जिसको उठाने की मुझ में कोई सकत ना थी मैं अपनी ही नज़रों में इस कदर गिर चुकी थी कि मुझे खुद को समटना जहर लग रहा था इतने में एक शख्स आया और उमर को बोला ओए चल ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लौट कर उमर को शायद भूख लगी थी हाथ में रोटी पकड़ी रोल किया हुआ था उमर ने इस भाई से कहा कि मैं सिर्फ ये रोटी खा लू मैं अभी उठा कर रखता हूँ तो उस भाई ने कहा रहने दो फिर मैं किसी और से कहकर यह कर लेता हूँ उमर ने मजबूरन इसी रोल को हाथ में पकड़ा और साथ रोटी खा रहा था और साथ ही सामान उठा रहा था मैं कुर्बान जाऊँ मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था मैं आँखों में आंसू लिए इसे देखती रही काम ख़त्म हुआ तो उमर वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया कितनी बेबसी कितनी थकन थी और फिर अपनी जेब से वो रोटी का बना हुआ रोल दोबारा से फिर निकाला और वहाँ पर बैठकर खाने लगा जिसे मैं बदवाएँ दिया करती थी इसी खुदा से मैं ये कह रही थी या अल्लाह इस ज़मीन को हुक्म दे कि ये ज़मीन मुझे अपने अंदर निकल ले मैं इस दुनिया और आखरत में उम्र का किस तरह सामना करूंगी खुदा शायद है कि मैं चाहती थी कि मुझे इसी वक्त मौत आ जाए मुझ में हिम्मत न थी कि मैं उमर को एक पल भी देख सकती उमर बेचारा सारा दिन वहाँ दर्द सहता धक्के बर्दाश्त करता ना जाने कितनों की बातें सुनता कितनी तकलीफें और मशक्क़तें उठाकर मेरे लिए एक एक रुपये इकट्ठा करता मैं कुर्बान जाऊँ उमर ने कभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने इसके साफ सुथरे कपड़े देखे जो कि ये तीन दिन से पहने हुए था तो मेरे जहन में ऐसे ही ख्याल आया कि ये कौन सा काम करता है कि इसके कपड़े भी ख़राब नहीं होते ना मट्टी ना धूल ना कोई दाग धब्बा एक दो दफ़ा इससे जब पूछा तो कहा कि तुम क्या करते हो तो कहता मैं एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ और वहाँ पर मेरा कोई ख़ास काम नहीं है बस कोई कलर को फाइल्स पकड़ाता हूँ कोई ख़त आ जाए तो उनको दे आता हूँ ख़ास में कुछ नहीं करता सारा दिन सुकून से एसी में बैठा रहता हूँ लेकिन इसके बरक्स सारा दिन थकन से चूर चूर वो रात को घर आने से पहले ये अपने कपड़े तब्दील कर लिया करता था ताकि मुझे ऐसा ही लगे जैसा ये किसी ऑफिस में काम करता है फिर घर आकर मेरी बातें और बातें भी ऐसी कि कोई भी इंसान सुने तो अंदर ही अंदर बीमारियों या जहनी मरीज़ बन जाए आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरी ज़ुबान से मेरे लिए निकला था कि मैं इस दुनिया की कमबख्त और बदनसीब लड़की हूँ और उम्र तो इस ज़मीन का शहजादा है और मैं इस शहजादे के काबिल नहीं पता नहीं ये क्या हादसा था या अल्लाह की मर्जी बस मेरा दिल बदल गया मैं बिन बताए अपनी ख़रीदी हुई सारी ज्वेलरी कपड़े जूतियाँ वगैरह हर चीज़ वापस लौटा कर सीधा घर वापस आई इस दिन मैं बहुत रोई इतना रोई कि जब मेरा जवान भाई फोत हुआ था तो, तो तब भी मैं इतना नहीं रोई थी मैंने सारा घर साफ़ किया किचन साफ़ किया बर्तन हत्ता के घर का कोना कोना साफ करती रही और फूट फूट कर रोती रही और अपने ही नज़रों में शर्मिंदा हो चुकी थी उमर को पुलाओ खाना बहुत ज़्यादा पसंद था मैंने उमर के लिए पुलाओ बनाया उमर घर आया मैं उमर को कभी खुद खाना डालकर नहीं देती थी मैं जो कर रही होती अपना काम करती रहती काम भी किया कभी टी वी देख रही होती थी तो कभी मोबाइल पर गेम्स वगैरह खेल रही होती थी उमर जब भी आता खाना कभी ठंडा कभी गर्म खुद ही कर लेता खुद ही सालन डालता और खा पीकर खामोश होकर लेट जाता मैं इसे कभी खाना डालकर नहीं देती थी खुद ही डालकर खाता था मैंने कभी इसकी परवाह की ही नहीं थी फ़िक्र करना तो दूर की बात शाम को जब उमर घर आया मुझे सलाम किया किचन में गया पलाओ देख कर बोला शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया सारा दिन की थकन उतार दी आज ऑफ़िस में भी बहुत काम था मैंने जब ये उम्र के अलफ़ा सुने तो मैं अंदर ही अंदर इस कदा इस तरह खून रो रही थी कि जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं तो जान चुकी थी कि यह किस ऑफिस में काम करता है और सिर्फ मेरी खुशनुदी के लिए ये मुझसे झूठ बोला करता था कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ लेकिन सारा दिन धूल मट्टी लोगों का बोझ लोगों की जली कटी बातें सुनता था फिर अचानक उमर खुश होकर दोबारा बोला कि शहजादी एक साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए खाना खाने लगे क्योंकि मुझ में हिम्मत ना थी कि मैं इसको खाना डाल कर दे सकते क्योंकि मेरी आंखों से इस कदर आंसू निकल रहे थे मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह उमर के सामने गई तो वो बेचारा दिन का थका हारा मुझे देखते ही और परेशान हो जाएगा मैं उमर की तरफ़ देखे जा रही थी उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं मैं कितनी अजियत देती हूँ कोई शिकवा नहीं करता आज ये उम्र पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं उमर ने खाना खाया फिर तीस हज़ार जेब से पैसे निकाले कहने लगा ये लो शहज़ादी में चीख चीख कर रोने लग रोने लगी उमर के पाँव चूम लिए उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए उमर हैरान था मुझे क्या हो गया है पहले तो कहती थी कि गाड़ी लेनी है फला फला और अब ये पैसे नहीं ले रही उमर ने मेरा हाथ थामा बोले अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा मुझे छोड़कर ना जाना कहने लगे शहज़ादी बहुत भोली हो तुम पागल तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी तुम्हें कौन सहारा देगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत ही भोली और लाडली है उमर के ये अल्फाज सुनने थे कि मैं चीख चीख कर रोई उमर परेशान हो गया कि इसे क्या हुआ इसने मुझे सीने से लगाया मैं इसके पाँव चूमने लगी इससे माफ़ियाँ मांग रही थी उमर ने बोला तुम खामोश हो जाओ तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं मैंने इससे कहा कि मैं आइंदा तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी और बस मैं रोए जा रही थी और वो बेचारा मुझे चुप करा रहा था मेरी ज़िंदगी सारी की सारी बदल चुकी थी मेरा मेरी सोच मेरा रहन सहन एक वो दिन था और एक आज का दिन है मैंने ज़िंदगी में इसके बाद उमर से कभी कोई फरमाइश नहीं कि वो मुझे जो ला कर देते मैं बिस्मिल्लाह पढ़ कर रख लेती हूँ मैं अपने गुनाहों की सज़ा खुदा से भी लाखों बार मांग चुकी हूँ और उमर से भी तहमीन अख्तर लिखती हैं कि अगर एक बाशूर औरत अपने शोहर की रिज़क कमाने की दास्तान को सुन ले अपने शोर की कमाई हुई रकम के पीछे की दर्दनाक कहानी को जान ले तो यकीनन वो अपने शोहर को घर से बाहर ना निकलने दे और अपनी सारी ज़िंदगी फाकों में बसर करने को तरजीह देगी इसमें कोई शक नहीं कि मर्द सारी दुनिया की तकलीफें झेलने के बाद अपनी बीवी और बीवी को सुख देने की वो कोशिश करता है जो कोई और नहीं कर सकता हजारों अपने जितना मर्ज़ी ख्याल रख लें जो मर्ज़ी कर लें लेकिन जो शोर अपनी बीवी और बच्चों के लिए कर सकता है जो एक बाप कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता आपका शोर किन हालात में पैसा कमाकर आपके लिए लाता है आप इससे बेखबर हैं इससे अनजान हैं। हमेशा अपने शोर को खुश रखिए थोड़े को ज़्यादा महसूस कीजिए और इससे बिला वजह की फरमाइशें ना कीजिए बल्कि ज़रूरत तक ही महदूद रखिए नाजरीन कराम खुदा की कसम इस तहरीर ने मुझे रुला दिया है मैं नहीं जानता कि ये वाकई आपको कैसा लगा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए